धूमधाम से मना संकट मोचन हनुमान जन्म उत्सव हर साल भी रुद्र शक्ति सेना के द्वारा सभी राज्यों में। रुद्र शक्ति सेना सामाजिक संगठन के मुख्य कार्यालय निकट सर्वेश्वर महादेव शिव मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर हनुमान जयंती न मनाकर 8 अप्रैल 2020 को मनाया गया। हनुमान जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से लॉकडाउन के नियमों का पालन एवं सरकार के आदेश के अनुसार हनुमान जन्म उत्सव के शुभ मुहूर्त पर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के खाने के पैकेट बनाकर प्रसाद के रूप में वितरण कर अपना जीवन व्यतीत करे लोगों में किया गया। वहीं रुद्र शक्ति सेना संस्थापक महोदय श्री अनमोल हिंदू जी ने कहा कि हनुमान जयंती उनकी मनाई जाती है जिनकी मृत्यु हो जाती है, पर हमारे पवन पुत्र हनुमान जी आज भी हमारे बीच जीवित हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली एक ही ऐसा देवता है जो जीवित माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि बजरंगबली भक्तों पर आए संकट का निवारण करते हैं, इसी वजह से उन्हें संकट मोचन कहा जाता है और जीवित लोगों की जन्म उत्सव मनाई जाती है, न कि जयंती। वासियों के आग्रह किया कि आप सभी भी हनुमान जयंती भूलकर अपने पवन पुत्र हनुमान जी का हर साल हनुमान जन्म उत्सव के रूप में मनाया करें। अपने आसपास के सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करा। जय श्री राम। हर महादेव। मैं अनमोल हिंदू रुद्र शक्ति सेना संस्थापक आप सभी के सामने एक बार फिर से आया हूँ। मैं पहले मैं कभी नहीं आया, तीसरी बार लाइव आया हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर कहीं जा नहीं पा रहे, नहीं आ रहे, इसलिए मुझे घर से ही लाइव आना पड़ रहा है। और आज मैं समस्त देशवासियों को हनुमान जैसा कि जयंती लोग मना रहे हैं, लेकिन हम लोग जो मनाते हैं हर साल 4 सालों से हनुमान जन्म उत्सव, तो आप सभी को मैं हनुमान जयंती ना की हार्दिक शुभकामनाएं ना देकर मैं हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को रुद्र शक्ति सेना परिवार की ओर से देना चाहता हूँ। और आप सभी से एक अपील है, मेरा आग्रह है कि आप लोग भी हनुमान जयंती ना मना के हनुमान जन्म उत्सव ही मनाएं और धूमधाम से मनाए। हर साल 4 सालों से हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे। इस बार हमारे कुछ राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार और एक दिल्ली प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश में उन उत्सव मनाया गया है। जो बाहर की तरफ तो नहीं मनाया गया, एक मुख्य कार्यालय है जो हमारे बिहार की राजधानी पटना में, वहाँ कुछ लोगों ने, अधिकारियों ने सर्वेश्वर शिव मंदिर के पास में हनुमान जी की पूजा अर्चना करके आज जन्म उत्सव मनाया। कुछ सैकड़ों गरीबों में खिचड़ी वितरण किया गया है प्रसाद के रूप में, जो जरूरतमंद है, जो रोड पे सड़कों पे रहते हैं उनको। और हमारे और सभी राज्यों में पदकारियों द्वारा भी मनाया गया है। उसमें कुछ लोगों ने जो है कि अपने घर में ही पूजा अर्चना करके मनाया, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी पदकारियों का, युवा शक्ति, नारी शक्ति का, जिन्होंने और हमारा संगठन का इस लॉकडाउन में भी समर्थन दे रहे हैं और लोगों की जरूरत की मदद कर रहे हैं। लगातार 7 दिनों से हमारा संगठन मदद कर रही है भारत के 10 दिनों से राज्यों में, तो अलग अलग में जो जो इतना बन पा रहा उतना। कुछ लोग हमारे जो जानने वाले सहयोगी जो संगठन जुड़े हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, वो भी जहाँ भी हैं घर से ही जितना होता मदद करते हैं और हम लोग उसके द्वारा ही लोगों को वो करते हैं। तो हम सभी से आग्रह है कि आप लोग भी जन्म उत्सव मनाएं क्योंकि जयंती उनकी मनाई जाती है जिनकी मृत्यु हो जाती है। आज पवन पुत्र हनुमान जो हमारे सामने विराजमान है और सदा रहेंगे, आजीवन है, वो जीवित है और वैसे ही एक शक्ति देवता में एक शक्ति वही है हनुमान जी जो कि सदा जीवन है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वो जीवित है इसलिए उनका जन्म उत्सव मनाएं। जय श्री राम। हर महादेव। मेरे शक्ति सेना संस्थापक हर महादेव। यूपीएस न्यूज 24 की लाइव खबरों के लिए बने रहें यूपीएस न्यूज 24 लाइव के साथ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके अपने यूपीएस न्यूज 24 लाइव को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।